हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रवासी भारतीय दिवस पर चर्चा करेंगे जो हाल ही फिलहाल हुआ है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, जब पीसीएस, कुछ भी एग्जाम हो तो उससे ये क्वेश्चन बनता है। और इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रवासी भारतीय दिवस इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है उसमें काफ़ी अहम कंट्री से जो प्रेसिडेंट थे उनको चीफ ऑफ गेस्ट बनाया गया था। तो हम वन बाई वन स्टेप चर्चा करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट है उस पर बताते चलेंगे जैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम ये देखें, भारत प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्यों जाता है, ये हमें देखना है क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे। तो मैं थोड़ी चर्चा ये करता हूँ, जो हाल फिलहाल 2023 का जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया वो 8 से 10 जनवरी इंदौर के मध्य प्रदेश में मनाया गया। तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया या किस स्टेट में मनाया गया और कब, वो 9 जनवरी को। अच्छा, दूसरी चीज में ये है, और ये कौन से वे नंबर का मनाया गया, तो ये 17वां नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इससे पहले 16वां नंबर का कहाँ मनाया गया, अगर कंफ्यूजन करने के लिए डालेगा तो वो है 16वां वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो इस बार जो इंदौर मध्य प्रदेश में जो मनाया गया था उसके चीफ ऑफ गेस्ट कौन थे, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चीफ ऑफ गेस्ट कौन थे, तो ये हैं गुआना के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली इरफान, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ये हमारे चीफ ऑफ गेस्ट ऑनर रहे हैं इस बार के। ये नाम पूछ सकते हैं कि किस देश से चीफ ऑफ गेस्ट रहे हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर इरफान अली। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि ये किस कॉन्टिनेंटल से, ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे गुआना किस में पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। एक चीज और, यहाँ की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है वो भी पूछ ली जाएगी। ये सिर्फ जानकारी के लिए रहता है कि आ भी सकता क्वेश्चन ना भी, पर ये जरूर आ सकता है। तो इसकी मैं कैपिटल बता दे रहा हूँ, जॉर्ज टाउन है। और यहाँ की करेंसी है, गुआना डॉलर। बस इतना ही काफी है, और ये दक्षिण अमेरिका पड़ता है। बस इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इस बार की थीम क्या मनाई गई थी। तो गाइस देखिए, आप इसकी थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है, डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहाँ हुआ था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन से नंबर का हुआ था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और किसको चीफ ऑफ गेस्ट बनाया गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी थीम देख लीजिए आप, लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया सामने, आपको समझने में आसानी होगी। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भारतीय। मैं एक फिर बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भारतीय, ये इसकी थीम है। बेसिकली पीसीएस यूपीएससी में ये बना के पूछ लिया जाएगा। हो सकता है कि कन्फ्यूजन करने के लिए आपको 16वां भारतीय प्रवासी दिवस की थीम पूछ ली जाए, मगर ऐसा होगा नहीं, यही पूछ सकता है। अब चलिए इस पर थोड़ा चर्चा ये कर लेते हैं, ये मनाया क्यों जाता है आगे। बेसिकली फ्रेंड हुआ क्या था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो उनकी ही याद में इसको मनाया जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था 2003 में, ये 2003 में मनाया गया था, मगर तब ये प्रत्येक 2 साल बाद मनाया जाता था, मगर ये 2015 से
नियमित तो मनाया जाने लगा। ये याद रखना कि 15 से नियमित मनाया जाने लगा। और अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि इसमें पूछने वाली चीज और भी हो जाएगी कि प्रवासी भारतीय दिवस किस कौन सा मंत्रालय होस्ट करता है, यानी इसे कौन सेलिब्रेट करता है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये विदेश मंत्रालय से होस्ट करता है। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने वहां पे संबोधन दिया, और हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, उन्होंने इसको वर्चुअली समिट को अटेंड किया। अब आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया को 9 जनवरी 2015 को दक्षिण विकास वापस आए, तो उन्हीं की याद में ये 2003 से मनाया जाने लगा, और प्रत्येक 2 ईयर के बाद 2015 से ये नियमित मनाया जाने लगा। अच्छा, इसमें आपको और डेप्थ से, जैसे यूपीएससी पर्पज से या पीसीएस से, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाता है वो, तो मैं आपको चीज बता दूं कि ये 2003 में किसकी सिफारिश मनाया गया, किसने कहा कि ऐसा होना चाहिए। तो एक हमारे यहाँ बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मण सिंघवी की सिफारिश पर, इन जो ये लक्ष्मण सिंघवी थे, उन्हीं की सिफारिश पर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा, और 2015 से नियमित मनाया जाने लगा। तो ये था, देखो ये मतलब ये पूरा इसकी हिस्ट्री थी, किस तरीके से मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसकी सिफारिश पर मनाया जाता है, और क्या इसकी थीम रही है, किसको चीफ ऑफ गेस्ट बनाते हैं हम। तो ये सब अब आपको, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकलेगा। आप, मैं एक बार फिर रिपीट करके आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये अभी कहाँ मनाया गया था वो भी सिटी आप लिखा है, इंदौर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, और थीम क्या रही है इसकी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भारतीय। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे चीफ ऑफ गेस्ट कौन रहे थे, गुआना के राष्ट्रपति रहे थे, और वहाँ की कैपिटल क्या थी, करेंसी क्या थी। फिर मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया कि क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से हमारे महात्मा गांधी जी वापस आए थे, और किसकी सिफारिश मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, कब से नियमित मनाया जाने लगा ये भी बताया आपको, और मैंने ये आपको ये भी बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा मंत्रालय होस्ट करता है, विदेश मंत्रालय होस्ट करता है, और इससे पहले कब मनाया गया, 2016 में मनाया गया था, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। तो इतना काफी हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस एसएससी अदर वनडे एग्जाम में बाहर नहीं जा सकता। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूंगा। थैंक यू गाइस, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।